और अब खबरें विस्तार से। बरेली से सबसे पहले खबर आ रही है। बरेली में यूपी सरकार के निगम विकास मंत्री सुरेश खन्ना और प्रमुख सचिव सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मेयर उमेश गौतम और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नगर विकास मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो डॉक्टरों की कमी को जल्द ही पूरा करेंगे और फिजूल खर्चे पर रोक लगाकर जिले का विकास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक मंदी के ऊपर बयान देते हुए कहा कि देश में कहीं भी मंदी नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टरों की कमी है उसका हम लगातार इलाज करने में लगे हैं। 8 मेडिकल कॉलेजेस पाइपलाइन में हैं। हमारे 5 जो स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा जो मेडिकल कॉलेजेस वो प्रारंभ हो गए और 13 मेडिकल कॉलेजेस पाइपलाइन में। तो इसलिए अभी जितने भी प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, सबसे ज़्यादा फोकस उसी बात पर है कि प्रदेश में आने वाले समय में डॉक्टरों की कमी न रहे। और हर हाल में ये जो WHO का मानक है उसको जितना ज़्यादा